श्री कृष्ण कहते हैं कि सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। यही हमारी जिंदगी में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती है। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से कमजोर होते, जिनका आत्मबल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते और असफलता को स्वीकार कर लेते और बाद में अपने भाग्य को कोसते। लेकिन कुछ वीर लोग इन परेशानियों का सीना तानकर सामना करते। भले ही लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं है। और जो रुकते नहीं है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त कर पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकता कभी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें अरबों गैलेक्सी, खरबों तारे हैं, अनगिनत ग्रह, सभी चलते हैं, कभी रुकते नहीं है। प्रकृति का नियम है, जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं है। सोचो कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए चलना बहुत पड़ेगा, इससे ज़्यादा बड़ी असफलता कोई नहीं हो सकती। क्योंकि सफलता और असफलता तो बाद की बात है। खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आपका दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वह आपके लिए हमेशा धड़कता है ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। किसके लिए? केवल आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते और संदेश देते रहते। लगातार चलना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते हैं, आपकी आंखें हमेशा देखती हैं। किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बिना रुके बढ़ते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेले के दम पर कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति को सफलता मिली है, फिर चाहे वो खुद की सफलता हो, लेकिन उस व्यक्ति के सफलता के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। वो चाहे उसके परिवार का हो, उसके रिलेटिव या कोई अनजान व्यक्ति हो। प्रकृति का यह नियम है कि जिस व्यक्ति ने जितनी बड़ी सफलता हासिल की है उसके पीछे उतने ही ज़्यादा लोग उसकी सहायता कर रहे थे, और जितनी छोटी सफलता हासिल की है उसके पीछे उतने ही कम लोग उसकी सहायता कर रहे थे। जीवन में हर कोई सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता पाने के लिए व्यक्ति में कुछ अच्छी आदतों का होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति में कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो आपके सफलता के रास्ते में आड़े आ सकती हैं। यदि आप भी पाना चाहते हैं जीवन में सफलता, तो इन 5 आदतों को आज ही छोड़ें। पहली आदत है हर काम में परफेक्ट होने की चाहत। जो लोग जीवन में असफल होते हैं या अपने मन मुताबिक काम नहीं करते, उनकी सोच ये होती है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक ये काम हम शुरू नहीं करेंगे। इसके विपरीत जो लोग सफल होते हैं वो कभी भी पूर्णता के पीछे नहीं भागते, वो काम करते करते परफेक्ट हो जाते हैं। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि हमेशा अपने गोल पर फोकस करो, लेकिन क्या सिर्फ गोल पर फोकस करने से आप सफल हो पाएंगे? यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ गोल पर फोकस करने की अपनी आदत को छोड़ना होगा। एक बार गोल डिसाइड करने के बाद आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसके कार्य योजना पर भी काम करना होगा। जब आप कार्य योजना पर सही तरीके से काम करते हैं तो आप अपने गोल तक पहुँचने में सफल हो पाएंगे। कई लोग अपना मनपसंद काम इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लोग अधिकतर ये सोचकर शुरुआत ही नहीं कर पाते, यदि हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हम कभी भी किसी काम में सीधे सफल नहीं हो। इसी सीट पर उसे सूट बूट पहना एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। वह व्यक्ति काफ़ी अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा कि इस मालदार आदमी से ज़्यादा भीख मिलने की गुंजाइश है। वह उसके पास पहुँचा और पैसे मांगने लगा। सूट बूट पहने व्यक्ति ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन भिखारी डटा रहा, उसके पीछे पड़ गया। भिखारी की इस हरकत पर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। गुस्से में वह बोला, बड़े अजीब हो, मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा हूँ और तुम मेरे पीछे पड़ गए। चलो ठीक है,
मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए, तो ये बताओ कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे। ये सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ, लोगों से मांग मांग कर अपना पेट भरता हूँ, किसी को कुछ देने की मेरी औकात ही नहीं है। जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगा भी मत करो, सूट बूट पहने व्यक्ति ने भिखारी से कहा और उठकर वहां से चला गया। उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा तो सोचने लगा, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। नजर इधर उधर दौड़ाने पर उसे फूलों से लदे कुछ पौधे दिखाई पड़े। उसने सोचा, जब कोई मुझे भीख देगा तो बदले में मैं उसे एक फूल दे दिया करूंगा। उस दिन के बाद वह अपने साथ एक झोले में फूल रखने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता वह झोले में से निकाल कर एक फूल उसे दे देता। भीख देने वाला यह देखकर खुश हो जाता, भिखारी को भी यह बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ट्रेन में भिखारी को वही सूट बूट वाला आदमी फिर से दिखाई पड़ा। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब आपके पास मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दिए। बदले में भिखारी ने अपने झोले में से एक फूल निकालकर उसे दिया। वह व्यक्ति खुश हो गया और बोला, मुझे लगता है कि तुम अब व्यापार सीख गए हो, तुम्हें लेन देन का समझ आ गया है। जब तक किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लेना नहीं चाहिए, समझे। उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया था, वह ट्रेन से उतरकर चला गया, लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिमाग में घर कर गई। वह ट्रेन से उतरा तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ, अब मैं भी सूट बूट पहनकर घूमूंगा, मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। लोगों ने उसे ऐसे चिल्लाते देखा तो सोचा भिखारी पागल हो गया। उस दिन के बाद 6 महीने तक भिखारी ना स्टेशन पर ना ही ट्रेन में नजर आया। 6 महीने बाद एक दिन ट्रेन में 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आपने मुझे पहचाना, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, आपको शायद याद नहीं है सर, मैं वही भिखारी हूँ जिसे पहली बार आपने सिखाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार सिखाया कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी भी बन सकता हूँ, बशर्ते मैं अपनी सोच बड़ी कर लो। आज देखिए मैं एक व्यापारी बन गया। आपकी बात मानकर शुरुआत में मैं फूल तोड़कर बेचने लगा, कुछ पैसे जमा हुए तो मैं फूल खरीद कर बेचने लगा, आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है, सब कुछ आपसे सीखा है, आपका बहुत धन्यवाद सर मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे ज़िंदगी एक ही रास्ते पर चलती रहेगी। अपनी सोच बड़ी कीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। हम हमेशा छोटी सी चादर में सिमटे रहते हैं और सोचते हैं हमारी पहुँच बस इतनी है, इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। अपनी चादर बड़ी करें, उसे और फैलाएं। जीवन में तरक्की आपका इंतजार कर रही है, बस ज़रूरत है बड़ी सोच के साथ कड़ी मेहनत की, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।